फिलहाल हूँ मैं SMS स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर, और उस गेट नंबर 2 पर ही है अमर जवान ज्योति, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्थान है। शहीदों के याद में उनको नमन करने के लिए इस स्मारक का निर्माण करवाया गया, और यहाँ पर हमेशा 15 अगस्त को अच्छा सा प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। बट आज यहाँ पर जो लाइटिंग की गई, उस लाइटिंग की वजह से मेरा आकर्षण इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ गया। फिलहाल मैं विधानसभा रोड पर हूँ, और विधानसभा के जस्ट सामने ही है विद्युत भवन, और उसके पास ही है फाइनेंशियल भवन, और उसके थोड़ा आगे जैसे ही मैं बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं अमर जवान ज्योति। और जस्ट मेरे पीछे आप इस स्मारक को देख सकते हैं। आज इसकी लाइटिंग है वो काफ़ी खूबसूरत है, आप इस लाइटिंग का एंजॉय करें। यह है भगवान दास सर्किल, और आज ये स्टेच्यू काफ़ी खूबसूरत लग रहा है लाइटिंग की वजह से, बहुत ही प्यारा। वास्तव में एक्चुअली में यहाँ पर इतनी लाइटिंग होती नहीं है, आज कोई स्पेशल ओकेजन है इस वजह से ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इस पूरे क्षेत्र को सजाया गया है ज़बरदस्त। सचिवालय, हाई कोर्ट और जो जनपद। हेलो, हाय ब्रो, आज ये आप देख सकते हैं काफ़ी लाइटिंग, ज़बरदस्त लाइटिंग की गई। ये सचिवालय है और इसके जस्ट आगे राजस्थान हाई कोर्ट है, यहाँ पर भी काफ़ी लाइटिंग की गई है। आई थिंक आज सोडाला आवास सड़क जो एलिवेट रोड बना है न्यू, उसका उद्घाटन था जो चीफ मिनिस्टर द्वारा और UDS मंत्री शांति धारीवाल द्वारा किया गया। इस वजह से आई थिंक कोई VVIP मूवमेंट है, इस वजह से काफ़ी ट्रैफिक भी देखने को मिला है, और इस पूरे एरिए को सजाया भी गया ज़बरदस्त, और लाइटिंग की गई इस एरिए पर। और मैंने गूगल पर देखा था, काफी ट्रैफिक दिखा रहा था, रेड रेड दिख रहा था मुझे राजस्थान आवासन मंडल, और इसके जस्ट पास में ही है राजस्थान विद्युत भवन, और विद्युत भवन और इन्हीं के थोड़ा आगे बढ़ने वाले ये सामने है राजस्थान विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान। कितनी खूबसूरत सजाया गया है इसको, रियली में लाइटिंग की वजह से ये विधानसभा भवन कितना खूबसूरत लग रहा है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये इमारत, इस पर रेड लाइटिंग की वजह से ये काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। फिलहाल हूँ मैं SMS स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर, और उस गेट नंबर 2 पर ही है अमर जवान ज्योति, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्थान है। शहीदों के याद में उनको नमन करने के लिए इस स्मारक का निर्माण करवाया गया, और यहाँ पर हमेशा 15 अगस्त को अच्छा सा प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। बट आज यहाँ पर जो लाइटिंग की गई, उस लाइटिंग की वजह से मेरा आकर्षण इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ गया। फिलहाल मैं विधानसभा रोड पर हूँ, और विधानसभा के जस्ट सामने ही है विद्युत भवन, और उसके पास ही है फाइनेंशियल भवन, और उसके थोड़ा आगे जैसे ही मैं बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं अमर जवान ज्योति। और जस्ट मेरे पीछे आप इस स्मारक को देख सकते हैं। आज इसकी लाइटिंग है वो काफ़ी खूबसूरत है।